गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने नियम पढ़े थे किसके, टेंसर के, प्रदिश के। ठीक है, आज हम उससे आगे स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दूसरा नियम देखते हैं, क्या बाह्य गुणनफल। ठीक है, किसके बारे में देखते हैं हम, बाह्य गुणनफल के बारे में देखते हैं। ये क्या होता है ना, यदि दो प्रदिशों का, दो टेंसरों का ना, का बाह्य गुणनफल, दो प्रदिशों का क्या बाह्य गुणनफल किया जाए, यानी उन्हें गुणा किया जाए तो प्राप्त प्रदिश की कोटि, तो प्राप्त प्रदिश की कोटि, प्राप्त प्रदिश की क्या कोटि गुना होने वाले दोनों प्रदिशों की कोटि के, दोनों प्रदिशों की कोटि के, दोनों प्रदिशों की कोटि के, है ना, दोनों प्रदिशों की कोटि के योग के तुल्य होती है, योग के तुल्य होती है। ये दूसरा हम बोल सकते हैं, इसका नियम है, रूल है, कि यदि दो प्रदिशों को क्या किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, गुणनफल किया जाए, तो जो हमारे पास एक नया टेंसर आएगा दोनों का गुणनफल होने के बाद, ठीक है, वो दोनों प्रदिशों की कोटि के योग के क्या होता है, तुल्य होता है। इसको हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं, देखो, माना प्रदिश जो है हमारे पास, ठीक है, वो एक प्रदिश ले लेते हैं हम, जैसे बी है, और एक ऊपर आई लगा दिया और एक नीचे और बार लगा दिया। बार लगाने का मतलब ही क्या होता है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एस डैश निर्देश तंत्र। आई तो क्या है, इसमें सुपर स्क्रिप्ट है, और जे क्या है, हमारे पास सब स्क्रिप्ट है। और मैंने आपको बताया था कि ये जो आई और जे है, ये किसको व्यक्त करते हैं, सहचर और प्रतिचर को व्यक्त करते हैं। ये तो बताता है, आई तो प्रतिचर को, और जे किसको बताता है, सहचर को। यानी कि ऊपर वाला तो बताता है हमारे पास कॉन्ट्रा वेरियंट, और नीचे क्या बताता है, को वेरियंट बताता है, ये जो इंडिसेस होते हैं। वह दूसरा हम लिख सकते हैं BLM, ये किस में प्रदिश है, ये एस निर्देश तंत्र में, और इन दोनों के बीच में हमने क्या पढ़े थे, संबंध पढ़े थे, है ना, तथा ए बार, दूसरा प्रदिश मैंने क्या ले लिया, ए बार लैम्ब्डा व ए सिग्मा है। एक प्रदिश तो मैंने ले लिया क्या, बी, और एक प्रदिश क्या ले लिया मैंने, ए लिख लिया। अब इनकी डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, कैसे लिखेंगे बताओ। सबसे पहले हम बी आई जे बार की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, तो देखो, जब ये एच डैश वाला लिखते हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, बी ऊपर एल और नीचे क्या, एम लिख देते हैं। अब आपको देखना क्या होता है इसके बाद, ठीक है, आई और जे दो आ रहे हैं, एक तो आ रहा है सुपर स्क्रिप्ट और एक आ रहा है सबस्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट के लिए लिखते हैं, कैसे लिखोगे, आई के लिए डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, कितने आ रहे हैं, देखो, एक आई एक जे दो आ रहे हैं, तो कितनी बार लिख लो, ये दो कोटि का हो जाएगा, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, ठीक है, क्योंकि अब ये बार वाले की बात कर रहा है, तो इसमें बार देखो क्या है, आई है,
बी में बार, इसमें क्या है आई है, और इसमें ऊपर क्या है एल आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या है, सबस्क्रिप्ट है जे, और ये जब हम सबस्क्रिप्ट की बात करते हैं तो ऊपर आता है बिना बार वाला। जब भी हम सबस्क्रिप्ट की बात करते हैं तो ऊपर क्या आता है बिना बार वाला, यानी बिना बार वाला ये है, तो एम तो ऊपर आएगा और जे कहाँ आएगा, नीचे आएगा। ये किसकी वैल्यू हो गई हमारे पास, बी आई जे की वैल्यू हो गई है ना। इसके बाद इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर कितनी, फर्स्ट। अब इसको लिखे हम ए बार लैम्ब्डा बराबर से, और ए सिग्मा। अब आपको सीधा सीधा पता है ये तो ए की है, ये कौन सा है, कॉन्ट्रावेरिएंट है, प्रतिचर सदिश है, सुपर स्क्रिप्ट आ रहा है। कैसे लिखेंगे, एक बार ही आएगा डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, क्योंकि एक ही इंडिसेस है, वो भी क्या है सुपर स्क्रिप्ट है। तो बार वाला तो कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। बार वाले की पावर कितनी है, लैम्ब्डा है, बिना बार की पावर कितनी है, सिग्मा है। ठीक है, अब हम इनका क्या कर दें, गुणनफल कर देते हैं, क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं इन दोनों इक्वेशन का, क्या करने पर, गुना करने पर, मल्टीप्लाई करने पर, है ना। अगर हम इसका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो बी, फिर आ रहा है ऊपर आई, नीचे क्या आ रहा है जे, का क्या आ रहा है बार, किससे गुना ए, फिर उसके बाद बार, और फिर उसके बाद क्या लैम्ब्डा बराबर, इनको एक साथ लिख देंगे हम डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स एल डेल एक्स एम अपॉन डेल एक्स जे, ये लिख देते हैं डेल एक्स बार लैम्ब्डा अपॉन डेल एक्स सिग्मा, 1 2 3 आ गया ना। और ये आ जाएगा हमारे पास बी एल एम, और क्या आ जाएगा ए सिग्मा आ जाएगा। क्या कर दिया हमने, दोनों को इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो इसके बाद मैंने आपको एक परिभाषा पढ़ाई थी किसकी, मिश्रित टेंसर की, मिक्स टेंसर या मिश्रित प्रदेश के बारे में हमने पढ़ा था। तो जो मिक्स टेंसर या मिश्रित प्रदेश होता है वो क्या कहता है, देखो ये दो प्रदेश है, एक तो बी और एक क्या है ए है ना। क्या है देखो, ये दे रखा है बी बार आई जे, है ना, और ए बार क्या लैम्ब्डा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मिश्रित प्रदेश में यही तो पढ़ा था हमने, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो इसको लिखने का तरीका क्या आएगा, इन दोनों का गुणनफल, एक और प्रदेश होता है हमारे पास है ना, और सी बार। अब देखो आई और लैम्ब्डा तो ऊपर है, तो आई और लैम्ब्डा इसके दो इंडिसेस हो गए सुपर स्क्रिप्ट, और जे कहाँ आ जाएगा हमारे पास, नीचे आ जाएगा। सी बार आई लैम्ब्डा और जे हो जाएगा। और दूसरा ये देखो, ये जो हमारे पास है क्या बी एम एल ए सिग्मा, इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों का गुणनफल क्या, सी, और इसमें कितने हैं हमारे पास इंडिसेस है, तीन है, एक दो और तीन है। तो क्या होगा बताओ इसका, सी एल सिग्मा, और नीचे क्या आ जाएगा एम आ जाएगा, यानी इन दोनों का गुणनफल प्रदेशों का एक नया प्रदेश आ गया हमारे पास। तो अब जो हम लिखेंगे वो इक्वेशन क्या बनेगी, देखो इसकी जगह तो हम ये लिख सकते हैं मिश्रित प्रदेश से, सी बार आयोटा सी बार आई लैम्ब्डा जे बराबर से, ये तीन बार आ रहे हैं हमारे पास, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स डेल एक्स अपॉन डेल एक्स डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, और बी एल एम ए सिग्मा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी एल सिग्मा एम। ये मिश्रित प्रदेश है जिसमें दोनों प्रदेशों को क्या कर दिया हमने, मिश्रित कर दिया, और इसकी पावर आई थी और इसकी पावर क्या थी एल। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या था, दूसरा क्या था हमारे पास डेल एक्स एम अपॉन डेल एक्स बार जे एम, ये बार आएगा जे, और तीसरा आएगा
डेल एक्स बार लैम्बडा और डेल एक्स क्या सिग्मा। तो कहने का मतलब है ये प्रदेश का क्या हो गया, गुणनफल हो गया हमारे पास। कौन सा प्रदेश आ गया हमारे पास, मिश्रित प्रदेश आ गया। अब देखो ये जो मिश्रित प्रदेश आ रहा है ये वाला, इसकी कोटि देखो, और जो हम लेके चले थे वो कोटि लेके देखो। देखो इसकी कोटि कितनी है, इसमें आई और जे और इसमें लैम्बडा कितने हो गए, तीन। तीन बार ये अवकलन है, एक दो तीन। और जब हम मल्टीप्लाई कर लिया तो देखो कितनी बार आया, एक दो तीन, कोटि देख लो, एक दो तीन, यही पढ़ा है हमने। यदि दो प्रदेशों का बाह्य गुणनफल किया जाए तो प्राप्त प्रदेश की कोटि होने वाले दोनों प्रदेशों की कोटि के योग के तुल्य होगी। यानी देखो इसकी कोटि एक और एक दो प्लस एक तीन, तो यहाँ पर भी कितनी है, एक प्लस एक प्लस एक, यानी कि कितनी होगी हमारे पास, तीन होगी। यही कौन सा होता है हमारे पास, बाह्य गुणनफल होता है। ठीक है, इसके बाद हम इसमें क्या देखते हैं, प्रदेश का क्या संकुचन। अब देखते हैं हम नेक्स्ट गुणधर्म, क्या हर प्रदेश का संकुचन। ठीक है, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, प्रदेश के संकुचन के बारे में। ये क्या कहता है, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी प्रदेश में सहचर और किसी प्रदेश में सहचर और प्रतिचर के दो सूचकांक समान हो, दो सूचकांक समान हो, दो सूचकांक क्या हो, समान हो, तो प्रदेश की कोटि, तो प्रदेश की कोटि पहले से, प्रदेश की कोटि पहले से कितनी, दो कम हो जाएगी। प्रदेश की कोटि पहले से कितनी कम हो जाएगी, दो कम हो जाएगी, है ना। कैसे समझा सकते हैं, इसके लिए हम क्या ले लेते हैं, दो प्रदेश ले लेते हैं, माना प्रदेश एक तो मैंने ले लिया, ए मिश्रित प्रदेश है आई जे के एल एम, और दूसरा मैंने ले लिया क्या, ए बार पी क्यू आर एस टी। अब इन दोनों में हम रिलेशन लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, ए यहाँ आएगा पी क्यू आर एस टी, और यहाँ आएगा हमारे पास क्या, ए, और क्या आएगा हमारे पास, आई जे के एल एम। कितनी बार अवकलन, एक बार, दो बार, तीन बार, ठीक है, चार बार, और ये क्या, पांच बार। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले हम प्रतिचर के लिए लिखें, प्रतिचर के लिए ऊपर बार आता है, तीन बार कहाँ बार आएंगे, ऊपर। सहचर यहाँ एस टी, सहचर में हमारे पास कहाँ बार आता है, नीचे बार आता है। अब इनकी घात लिख दो, प्रतिचर में पी क्यू आर, और इसमें क्या है, आई जे और के। सहचर में पहले इसके लिखते हैं एल एम, और फिर इसके लिखते हैं हम क्या, एस और टी लिख देते हैं। ठीक है, अब दो सेम करने हैं, पहले मैं के को किसके बराबर कर दूं, एम के बराबर कर देता हूं। ठीक है, के को किसके बराबर कर देते हैं हम, एम के। माना के बराबर से क्या कर दिया हमने, एम कर दिया। के बराबर से क्या कर दिया हमने, एम कर दिया। अगर के बराबर से एम करेंगे तो क्या होगा, ए बार पी क्यू आर एस टी बराबर से। ठीक है, ए पी क्यू आर एस टी बराबर से डेल एक्स बार पी अपॉन डेल एक्स आई, डेल एक्स बार क्यू अपॉन डेल एक्स क्या जे, डेल एक्स बार आर अपॉन डेल एक्स के, डेल एक्स एल अपॉन डेल एक्स बार एस, है ना। और एम को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, के बराबर, तो डेल एक्स बार टी, और ए आई जे के और एल एम, डेल एक्स के से डेल एक्स के क्या हो जाएगा हमारे पास, कैंसिल हो जाएगा।
ऐसे हम कम निकाल सकते हैं जब के के किसके बराबर हो हमारे पास एम के बराबर हो ना, तो ये हमारे पास क्या बनेगा ए बार पी क्यू आर और नीचे क्या एस टी किसके बराबर आएगा देखो डेल एक्स बार पी अपॉन डेल एक्स क्या हाई डेल एक्स बार क्यू अपॉन डेल एक्स क्या जे और ये बच रहा है हमारे पास कौन सा ये बच रहे हैं ना आर वाला बच रहा है एस वाला बच रहा है ठीक है आर वाला बच रहा है और हमारे पास एस वाला बच रहा है। तो देखो ये बार बार वाले मैं यहां सेम ले आता हूं ना क्या डेल एक्स बार आर और इसके नीचे लिख देता हूं मैं डेल एक्स बार टी और फिर क्या बचेगा डेल एक्स एल अपॉन नीचे क्या आ रहा है डेल एक्स बार एस और क्या आ रहा है ए आई जे के और नीचे क्या आ जाएगा एल एम आ जाएगा और एम की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं के लिख सकते हैं ठीक है। अब क्रोनेकर डेल्टा की परिभाषा पढ़ी थी डेल्टा आई जे इज इक्वल टू क्या होता है वन जब आई इज इक्वल टू जे और आई इज नॉट इक्वल टू जे तो ये जीरो होता है। ऐसे ही डेल्टा बार आई जे भी हम क्या लिख सकते हैं वन जीरो जब आई इज इक्वल टू जे और आई इज नॉट इक्वल टू जे ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग में कितनी कोटि लेके चले थे आप ध्यान रखना एक दो तीन चार और पांच लेके चले क्लियर है ये वाली बात। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं देखो ए बार पी क्यू आर और एस टी बराबर से ये लिख सकते हैं हम डेल एक्स बार अपॉन डेल एक्स आई डेल एक्स बार क्यू अपॉन डेल एक्स जे और ये आर टी है ना इसको लिख सकते हैं क्रोनेकर डेल्टा आर टी और डेल एक्स एल अपॉन डेल एक्स बार एस और ए अब देखो के सेम हो गया हट जाएगा आई जे और एल बच जाएगा। अब ये देखो आर अगर मैं टी के बराबर मान लूं क्योंकि तो दो सेम करने हैं एक तो मैंने के को एम के बराबर सेम कर लिया एक आर को किसके बराबर कर लेता हूं टी के बराबर सेम कर लेता हूं ठीक है। तो देखो हमको क्या करना है पहले से दो कम हो जाएगी पहले ध्यान रख ना, कितने अवकलन थे तीन चार पांच तो अब दो कम हो जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास केवल तीन बचेंगे है ना जब हम दो सेम कर देंगे एक तो हमने k को m के बराबर कर दिया और एक r को किसके बराबर कर दिया t के बराबर कर दिया तो तीन बन जाएंगे। अब ये देखो कैसे बनेंगे r बराबर t कर दिया तो ये बनेगा a बार p q r एस टी बराबर से और डेल एक्स बार पी अपॉन डेल एक्स आई डेल एक्स बार क्यू अपॉन डेल एक्स जे क्योंकि मैंने आर बराबर से क्या लिख दिया है टी लिख दिया है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी एक हो जाएगी और यहाँ भी आर बराबर क्या लिख दें हम टी लिख देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर आर बराबर टी होते ही इससे एक हो जाएगी तो ये बनेगा डेल एक्स एल अपॉन डेल एक्स बार एस और ए आई जे क्या एल। अब देखो आर आर सेम हो रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी वन तो केवल क्या बचेगा ए बार पी पी क्यू और नीचे क्या एस इज इक्वल टू डेल एक्स बार पी अपॉन डेल एक्स आई डेल एक्स बार क्यू अपॉन डेल एक्स जे और डेल एक्स एल अपॉन डेल एक्स बार एस और ए आई जे एल ये हमारे पास क्या आ गया। देखो आप कितनी कोटि हो गई हमारे पास घटकर तीन पहले अवकलन कितने थे स्टार्टिंग में लेके चले थे पांच अब कितने हो गए तीन दो तो सुपर स्क्रिप्ट बचा और एक क्या बचा हमारे पास सबस्क्रिप्ट बचा ठीक है अर्थात कोटि
से घटकर कितनी रह जाती है? तीन रह जाती है। पांच से घटकर कोटि कितनी रह जाती है हमारे पास? तीन रह जाती है।